हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। जैसे सोशल मीडिया पर कई फेक खबरों के कारण ज़्यादा भरोसा लोग नहीं करते, लेकिन इसी सोशल मीडिया से कई बार अच्छे परिणाम भी सामने आते हैं। ऐसी ही एक खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी कि एक माँ अपनी दो बेटियों के साथ ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर पिछले 5 दिनों से भटक रही है। यह खबर समाज के कई समाजसेवी संगठनों और युवाओं के पास पहुंची, जो इन माँ बेटियों के लिए मददगार साबित हुई। ये महिला अपनी दो मासूम बेटियों के साथ भूखी प्यासी स्टेशन पर भटक रही थी। किसी ने इनका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस वीडियो को देखकर कई समाजसेवी संगठन और युवा महिला की मदद के लिए तत्काल पहुंचे। पहले तो माँ बेटियों को भरपेट भोजन कराया गया और फिर उनके गांव पहुंचाने के लिए इंतजाम भी किए गए। महिला गाजीपुर अपनी माँ के घर जाना चाहती थी। समाजसेवी संगठनों और युवाओं ने महिला से संपर्क किया और उसे झांसी से बाया बस बनारस का टिकट कंफर्म करा कर दिया। सरोज जाटव नामक यह महिला गोवा में एक जनरल स्टोर में काम करती थी, लेकिन लॉकडाउन के चलते वह श्योपुर जिले के विजयपुर के अरौंद गांव में बड़ी बहन के पास रहने पहुंच गई थी। लेकिन बहन के सास ससुर के रोज रोज के तानों के कारण वो परेशान थी और यहाँ ग्वालियर स्टेशन पर आ गई। स्टेशन क्षेत्र में घूम घूम कर अपने लिए खाने और पानी का इंतजाम कर रही थी। इस दौरान वह 2 दिन से भूखी भी थी। समाजसेवी संगठनों ने उस महिला को ना सिर्फ खाना खिलाया बल्कि 1 दिन का खाना और कुछ बिस्किट, नमकीन के पैकेट व कुछ पैसे भी दिए। महिला के पति की मौत हो चुकी है। महिला का कहना है कि वह फिलहाल कुछ दिन अपनी गाजीपुर में रहने वाली माँ के पास रहेगी, फिर मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटियों का पेट पालेगी। चूंकि उसकी माँ भी विधवा है, पिता और पति दोनों ही 1 साल के अंदर खत्म हो चुके हैं। महिला ने समाजसेवी संगठनों का दिल से आभार व्यक्त किया है। गुरुवार को दोपहर महिला को मंगला एक्सप्रेस से झांसी के लिए रवाना कर दिया गया। ये सभी हमारे साथी हैं। हमने आज दैनिक समाचार पत्र में खबर पढ़ी कि एक महिला दो बच्चों के साथ रेलवे स्टेशन पे बाहर भूखी प्यासी है और जनता होटल में शाम को उसे भोजन कराया, तो मानवीय दृष्टिकोण को रखते हुए सुबह 8 बजे हम लोग अपनी टीम के साथ स्टेशन पे आए और ये भाई बहन को यहाँ देखा, इसके हालचाल पूछे, भोजन मिला है कि नहीं मिला सब पूछा। उसके बाद इनके स्थान को पूछा कि कहाँ के निवासी हैं। इन्होंने बताया कि ये गोरखपुर गाजियाबाद जिले की रहने वाली हैं, गाजीपुर और विजयपुर से आई हैं। तो फिर बोले इनके पास पैसे हैं कि नहीं है, तो उन्होंने बोला भैया हमारे पास कुछ भी नहीं है, मोबाइल भी हमारा चोरी हो गया। तो फिर हमने फैसला लिया कि इनका यहाँ से झांसी और झांसी से गाजीपुर के लिए टिकट कराया जाए। तो GRP के एक दरोगा जी थे, उनके साथ लेके इनका टिकट कराया। यहाँ से अभी मंगला से झांसी पहुँचेंगी और झांसी से फिर साबरमती से गाजीपुर पहुँचेंगी। और इस बीच में हमने उनको कुछ नगद पैसे भी दे दिए हैं ताकि वहाँ पहुँच के बस से जाना पड़े या टैक्सी किसी से जाना पड़े तो उनको सहूलियत हो, आसानी से पहुँच जाए घर पे और खाना पीना रास्ते में खा सके। और भी प्रशासनिक दृष्टि से भी हमारे एक साथी हैं, वो भी आए, उन्होंने बात करी, तो रास्ते में कोई दिक्कत होगी तो प्रशासन अमला भी उनकी मदद करेगा। इधर मैं गोवा में रहती थी अपने पति के साथ, फिर उधर तो मेरा पति खत्म हो गया तो मैं अपने मम्मी के घर गई और मम्मी के घर से आई तो मैं अपना बहन के साथ फिर गोवा पर चली गई, फिर इधर आई, फिर कोरोना वायरस में उधर सब लोग गोवा में सब लोग बोलता था लॉकडाउन होगा और साल भर के लिए इधर ही रुकेगा, तो इसलिए मेरा बहन का पति फॉर्म भर के गाँव में बुला लिया मेरा बहन को और मेरे को। ग्वालियर से मेरा बहन का ससुर का मेरा बहन का ना चाचा ससुर अपने मोटरसाइकिल से 2 मोटरसाइकिल के और सामान लाके इधर हम लोग को छोड़ा विजयपुर। सर इधर मैं रहती हूँ, 2 दिन तो मैं खाना नहीं खाई, फिर वो सर लेके गए, हेल्थ सेंटर वाले सर लेके गए तो उसी दिन मैं खाना खाई। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।